A part of a landfill site at Ghazipur in the capital collapsed, pushing several vehicles into a drain. The Delhi police says that at least four persons have been pulled out of the rubble. An operation is on to rescue others feared trapped. So to find out exactly what's going on, let's go across to Rajiv Kumar. He's the councillor of Ghazipur. Mr. Kumar, first and foremost, please tell us what exactly happened. And can you confirm there are some reports that one person, a young child, a girl, has died? Rajiv Kumar ji? Hello. Ji. Sir, आप हमें बता सकते हो कि हुआ क्या है और आप ये confirm कर सकते हो कि एक छोटी लड़की मर गई है? Madam, मुझे exactly नहीं confirm है कि death हो गई है. एक casualty हुई है. उसको hospital लेके गए हैं. मैं भी मौके पे ही हूँ. चार लोग निकाले गए हैं इसमें से. अभी और भी कुछ बताया गया है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा जो मौके पे थे कि एक अभी कोई और भी है जिसको ढूंढ रहे हैं. अभी यहाँ रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और अभी सब उसी में लगे हुए हैं. तो सर हुआ क्या है, क्योंकि हमारे पास इमेजेस है, विजुअल्स है, हमारे जो हम टीवी पे प्ले पर कर रहे हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रही यहाँ पे हुआ क्या है, आप हमें बता सकते हो? मैडम, यहाँ पूरा दिल्ली का कूड़ा इकट्ठा होता था. वो एक बहुत बड़ी पिट बनी हुई थी और उसके साथ से नहर है, उसके साथ एक रोड जाता है. तो वो सारा कूड़ा किसी तरह स्लाइड हुआ है और स्लाइड में वो पानी में गया नहर में और नहर के द्वारा वो रोड पे. और जो रोड पे सवारियां उस टाइम जा रही थी, गाड़ियां और बाइक, स्कूटी, वो सब उसमें उस स्लाइडिंग के साथ साथ में चल रही एक नहर में जाके गिरे हैं. अभी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि कितनी की संख्या है, लेकिन जो बाइक्स और गाड़ी जो निकाली है उसमें से चार लोग इन्होंने निकाले हैं. अभी एग्जैक्टली आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है कि कितने लोग हैं, और भी हो सकते हैं इसमें. लेकिन जो यहाँ है, किसी के साथ का कोई एक और बाइक वाला था, वो कह रहा है कि मेरे कजन इसमें साथ थे और वो अभी अंदर ही हैं. टीम रेस्क्यू कर रही है, सभी लोग लगे हुए हैं. तो बहुत फोर्स से गिरा होगा ये लैंडफिल, अगर ये गाड़ियां देखते बीन ड्रॉप्ड फॉलन इनटू दिस कनाल. मगर सर, ये बारिश से हुई है? बारिश भी एक कारण है, लेकिन इसकी भी जो ये बहुत दिन से इस तरह से अव्यवस्थित डला हुआ है, प्लांट नहीं है उसका. पहले भी वो थोड़ा थोड़ा गिरता रहा है, कैजुअल्टी होती रही है, और इस बार वो इतना ज्यादा था कि दो दो नहर, एक कनाल थी, एक गंदा नाला था बड़ा, दोनों को पार करके वो फिर तीसरी नहर को रोड पे से जाके और फिर वो फोर्थ उसमें नाले में जाके गिरे हैं. तो बहुत लंबे स्पेस तक उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है. बट मिस्टर कुमार, यू आर द काउंसलर, आप इस रीजन के काउंसलर हो. समर में हम देखते हैं कि ऐसे लैंडफिल में आग लग जाती है, विंटर में ऐसे, या मतलब मॉनसून सीजन में ये प्रॉब्लम होती है, विंटर में कोई और प्रॉब्लम होती है. व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? इज दिस अ फ्रीक एक्सीडेंट और इज समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड हियर? मैडम, मैं ऑलरेडी इसको, क्योंकि ये बहुत पहले से है, आज से नहीं है, ये 15-20 साल से इसमें पूरी दिल्ली का डल रहा है. हम कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं इसको लेके कि यहाँ से रिमूव हो जाए, और हमें बताया भी गया है कि इसको जल्दी रिमूव कर रहे हैं. अभी मुझे 4 मंथ्स हुए हैं चार्ज से, हुए 4 मंथ्स से, लास्ट 4 मंथ से मैं प्रयास कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से रिमूव हो जाए. इसकी स्मेल से, इसके आसपास की घटनाओं से यहाँ लोगों का रहना बहुत दुभर हो गया है. तो हम इसको लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाए. पहले हमें बताया गया था नेशनल हाईवे इसको कूड़े को ले जाएगा अपने हाईवे यूज करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, किसी कारण मना कर दिया. तो अभी भी उसमें लगे हुए हैं कि शायद ये कहीं और यूज हो जाए और ये यहाँ से साफ हो जाए.